नहीं, यही है कि ये जो नई सरकार आई है, इन्होंने अभी ध्यान गवर्नेंस पे देना चाहिए, ना कि अपने विरोधकों पे को धमकी देना, उनकी सुरक्षा निकालना। पहले अभी 100 दिन के ऊपर हो गए नए सरकार को आके, 3-3 बड़े उद्योग के प्रकल्प ये गुजरात में चले गए हैं, हमारे युवाओं को रोज़गार मिल नहीं रहा, यहाँ पर अभी भी हमारे जो किसान है वो आत्महत्या करते जा रहे हैं। इसलिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ, इसी पर कोई मंत्री बात नहीं करता है, सिर्फ विरोधकों को कैसे धमकाया जाए, डराया जाए, इस पर उनका ध्यान है। इसीलिए अभी ये नए गवर्नमेंट का फोकस ये गवर्नेंस पे होना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। बीजेपी की गवर्नमेंट है, इसलिए प्रोजेक्ट उधर जा रहा है। नहीं, ये क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, मुझे लगता है ये सब देख रहे हैं, सब कुछ एक ही गवर्नमेंट, एक ही स्टेट गवर्नमेंट को मिल रहा है, एक ही स्टेट को मिल रहा है, ये सब देख रहे हैं। सर, सिक्योरिटी निकाली गई है सब। देखिए, किसको सिक्योरिटी देनी है, किसको नहीं देनी है, इसका पूरा अधिकार ये शासन को होता है, और इसीलिए उन्होंने जो कुछ निर्णय लिया है उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अपने विरोधकों को भी सुरक्षा देने की जिम्मेदारी भी शासन की होती है, और इसीलिए मेरी उनसे विनती है कि अपने आप जो विधायक है उनको बताइए, कभी कोई पिस्तौल निकालता है, कभी कोई चुन चुन के मारेंगे ऐसे कहता है, कोई अपने कार्यकर्ताओं को कहता है आप विरोध होकर के जाके सर फोड़ दो, मैं टेबल जमीन करवा के दूंगा, ये सब रुकना चाहिए, गवर्नेंस पे ध्यान देना चाहिए।